गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड राधे राधे, कैसे हो आप लोग? होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक ठाक ही हूँ। जैसा कि आप लोग टाइटल और थंबनेल से तो समझ ही गए हो कि आज होने वाली है भाभी की विदाई। मिठाई बन रहा है, अभी भैया आए हुए हैं, हलवाई भैया। और हमारे यहाँ कोई भी फंक्शन होता है, छोटा बड़ा जो भी फंक्शन, जैसे शादी ब्याह, बर्थडे पार्टी या फिर भाभी की विदाई, कोई भी छोटा मोटा फंक्शन होता है तो यही हलवाई भैया को बुलाया जाता है मिठाई बनाने के लिए। ये अपने साथ एक अपना हेल्पर लेके आए हुए हैं, तो दोनों लोग मिलके बना रहे हैं मिठाई। सच बताओ ना तो मतलब ये मिठाई की खुशबू इतनी अच्छी आती है, जब बनता है मन करता है गरम गरम ही खा लो। वैसे मैंने टेस्ट भी किया था, बहुत अच्छा बना था। इतनी धूप है ना छत पे, फिर भी भैया लोग छत पे बना रहे थे, क्योंकि नीचे बता रहे थे ये लोग कि इन लोग को दिक्कत होगी काम करने में, थोड़ा स्पेस नहीं मिलेगा ठीक से, तो इसीलिए ये लोग बोले छत पे ही हम लोग बना लेंगे। तो छत पे बना तो रहे थे, बट धूप इतनी तेज की हुई थी। अब मैंने पूछा भी भैया से कि पानी वानी पियेंगे क्या भैया, तो भैया बोले नहीं, काम कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे लड्डू बना रहे हैं भैया। इतने सारे लड्डू बन रहे थे, इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी ना, मतलब क्या बताऊँ। तो लगभग लगभग सारा मिठाई बनकर तैयार। ये खाजा है और ये गाजा है और ये है टिकड़ी, हम लोग टिकड़ी बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते बताना। और ये लगाया है मैंने भाभी के हाथों पर मेहंदी, कल नहीं परसों रात में मैंने भाभी के हाथों पर मेहंदी लगाया था, वट सावित्री के एक दिन पहले वाले रात में, और आज फिर से लगाई हूँ। अच्छा लग रहा है, काम चलाऊँ लगा लेती हूँ, बहुत अच्छा नहीं आता मुझे। और अभी पैकिंग होने लगी है मिठाइयों की, टोकरियों की, जो कि भाभी के मायके जाने वाला है। जैसा कि आप लोग जब फर्स्ट टाइम भाभी ससुराल से मायके जा रही थी, तो वो वाला भी ब्लॉग देखे होंगे जो पुराने सब्सक्राइबर होंगे और अभी भी देख रहे हो। मतलब शादी को लगभग 2 ढाई साल हो चुके हैं, 2.5 या 3 साल होने वाला है, 3 साल होने वाला है, 2.5 साल हो चुका है। जैसे फर्स्ट टाइम भाभी गई थी विदाई होके अपने ससुराल से मायके, वैसे आज भी है भगवान की कृपा से ये जीवन भर ऐसे ही बना रहा है। अभी मम्मी और मेरा भाई चंदन दोनों लोग मिलके टोकरी बांध रहे हैं, मिठाई वगैरह सब पापा ने पैक किया था। और चलिए मैं दिखाती हूँ भाभी क्या कर रही है। तो यहाँ है हमारी भाभी चांदनी, भाभी का हेयर स्टाइल बना रही है, तैयार कर रही है भाभी चांदनी। जब भी भाभी कहीं आती जाती हैं तो चांदनी ही भाभी का हेयर स्टाइल बनाती है, तैयार करने में हेल्प कराती है। और ये रामा चिकलू सब बाबू, जो कि तैयार हो चुका है अपने नानी घर जाने के लिए। और लोई लोई कर रहे हैं हम, लोई लोई, नहीं बुआ मैं नहीं जाऊँगा नानी घर, मैं आप ही के पास रहूँगा। पता है बाबू 9 तारीख को 2 महीने का होता, बट आज ही मैंने फोटो शूटिंग कर दिया लड्डू से, दो लिख के बाबू हमारा सो रहा है आराम से, फोटो शूटिंग हो गई आज ही। अभी हमारी सोना को देख सकते हैं आप लोग कि किस तरीके से रेडी होके एकदम नया नया ड्रेस पहन के तैयार हो चुकी है, इतनी खुश है ना ये लड़की। एक्चुअली उसको पता ही नहीं है ना कि हो क्या रहा है, ऐसा लग रहा था सोना को जैसे मैं घूमने जा रही हूँ। एक दो बार हम लोग के साथ भी आ रहा, कहीं अपनी मम्मी के साथ शॉपिंग करने जाती हैं, तो इनको ऐसा लग रहा है ना कि हम लोग घूमने जा रहे हैं, शॉपिंग करने जा रहे हैं, तो खूब एक्साइटेड है, खूब खुश है। और नया नया ड्रेस पहन ली है, भैया खरीद के लाया था ये वाला ड्रेस, मैं भी आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखा होगा। बार बार जाके भाभी को बोल रही हैं, ये अभी मम्मी भाभी को खोइचा दे रही हैं। अब भाभी की विदाई जस्ट होगी थोड़ी देर में, थोड़ी देर में क्या हो ही रही है, खोइचा दे दिया है मम्मी ने। और पापा ना यहाँ पे पैसे बांट रहे थे, सोना को पैसे देने के लिए बुला रहे थे, सोना दौड़ के गई। देखिए गई, इतनी क्यूट क्यूट हरकतें करती है ना, मन नहीं लगेगा घर में किसी का भी। अभी मम्मी भाभी और बाबू और सोना तीनों का आरती कर रही हैं, नज़र उतार रही हैं। हम लोग कहीं भी आते जाते हैं तो मम्मी नज़र उतारती हैं, आरती करती हैं। मैं भी कहीं जाती थी बाबू को लेके तो मम्मी नज़र उतारती थी ऐसे। और इधर है हमारे छोटकू को, देखिए मेरी लल्ला को, अविशा को, अपने पर नाना जी के कंधे पे बैठी हुई हैं, भाभी के भाई आए हुए हैं लेने। सोना को देखिए, हमारी संस्कारी बच्ची को, सबका पैर छू के आशीर्वाद लेती है ये लड़की। चांदनी ने सिखाया है पैर छूना इनको, और अविशा को भी सिखा दिया चांदनी, ये देखिए बाबा को, ये बूढ़ी दादी को, सबको प्रणाम की है पैर छू के। ये अपनी दादी की गोदी में सबसे प्यारी इनकी दादी है, इनको मम्मी सोना को सबसे ज़्यादा प्यार करती है और सोना मम्मी को सबसे ज़्यादा प्यार करती है। मतलब दादी पोती का प्रेम पूछे नहीं, मम्मी का बिल्कुल भी मन नहीं लगेगा, देख सकते हैं आप लोग चेहरा कैसे उतरा हुआ है, मम्मी का पोती जा रही है तो। बट कोई बात नहीं, सिर्फ स्वार्थ में प्रेम नहीं करना चाहिए, बस अपने नानी घर भी तो जाएंगे। तो वह सभी हमारी भाभी निकल रही हैं, हम लोग जाएंगे रोड तक छोड़ने भाभी बाबू को गोदी में लेके, क्योंकि घर से निकलते टाइम बाबू मम्मी के गोदी में ही रहता है, फिर उसके बाद मेरी मम्मी यानी कि बाबू की दादी ने दादी सॉरी बाबू को गोदी ले लिया। और अभी हम लोग निकल रहे हैं, जा रहे हैं भाभी को छोड़ने रोड तक। हमारी भाभी घूंघट में, क्योंकि गाँव है
और गांव में नई नई बहू जब आती है ससुराल, लगभग 2 4 साल 5 साल, मैं अभी भाभी को प्रणाम कर रही हूँ, अच्छों के आशीर्वाद ले रही हूँ। 2 4 5 साल तक तो नई बहू घूंघट में ही रहती है, तो वही अभी हम लोग छोड़ने आए हैं सब लोग। अभिषा को देखिए, अभिषा ना जाके गाड़ी में पहले ही बैठ गई थी, बाबा पर नाना जी के कंधे पे जाके बैठी थी, घूमने गई थी, और उधर से कार में जाके बैठ गई कि मैं भी जाऊंगी साथ में। बस भाभी जा रही है, सोना जा रही है, मन नहीं लगेगा किसी का भी, घर एकदम सोना हो जाएगा। छोटा वाला बाबू भी जा रहा है, छोटे वाले बाबू जल्दी आ जाना सब लोग, कोई बात नहीं, रानी के घर भी तो जाना जरूरी है, बच्चों का सब जगह घुलना मिलना जरूरी है। सोना को देखिए कितना एक्साइटेड है। मैं बोल रही थी सोना मेरे तरफ देखो बेटा, नहीं देख रही थी, मैं बोल रही थी प्यारी दे दो, नहीं दे रही थी। अभी मम्मी बाबू को दे रही है भाभी को, और बस निकल रहे हैं सब लोग। भाभी का मायका बहुत नजदीक में ही है, मतलब सिर्फ आधे घंटे का रास्ता है। और ये देखिए हमारी अभिषा बेबी को, मैं बोल भी रही थी ना आ जाओ बेटा आ जाओ चलो, तो नहीं बाय बाय कर रही थी मुझे कि नहीं मम्मा मैं नहीं जाऊंगी, मैं मामी के साथ जाऊंगी, मामी के घर। फिर जैसे तैसे हम लोगों ने गाड़ी से निकाला था अभिषा को, और सोना भी बाय करी हम लोग को, जा रही है सोना। सोना दीदी को देख रही है अभिषा बेबी, अभिषा बेबी को एक्चुअली पता नहीं चांदनी पैसा दे रही है छोटा बाबू को। अभिषा बेबी को एक्चुअली समझ में ही नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है, अभिषा बेबी को पता नहीं सोना दीदी जा रही है, बस गाड़ी खुल गई चले गए। और अभी हम लोग वापस घर जा रहे हैं, अभिषा बेबी की मामी ने अभिषा को पैसे दिए हैं, हाथ में लिए हैं, खूब खुश हैं। बट सोना दीदी को जाते देखी है तो इनको थोड़ा लगा कि मैं भी साथ में जाती। एक्चुअली सोना के साथ दिन रात खेलते रहती है ना, तो आदत हो गई है इनको भी, और सोना भी दिन भर बउआ बउआ, अभिषा बेबी को बउआ ही बोलती है सोना, दिन भर बउआ बउआ, चांदनी का फेस उतरा हुआ है। ऐसे ही होता है हमारे घर में, बेटी विदाई हो या फिर बहू विदाई हो, रोते सब हैं, चांदनी देख रहे हैं रो रहे हैं, रो रही है, और इधर मम्मी का भी फेस उतरा हुआ है अपनी बहू के लिए। बस प्यार ऐसे ही होना चाहिए दोनों तरफ से, सास की तरफ से भी, बहू की तरफ से, ननद की तरफ से भी, भाभी की तरफ से भी। और अभी हो चुकी है शाम, शाम के लगभग 7:30 बज रहे होंगे। मैं बना रही हूँ सब्जी, थोड़ी सी सब्जी बना रही हूँ, क्योंकि ना दिन का भी खाना एकदम बच गया, सब बेकार गया है, मतलब फेंकाया है, गाय के उसमें डलाया है। तो अभी मम्मी बोली रात में सब्जी थोड़ा कम ही बनेगा, सब्जी चांदनी काटी है, मैं बना रही हूँ। मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, मैंने ना फ्रिज ठीक ठाक किया, साफ़ नहीं किया मतलब ठीक ठाक किया, साफ तो पहले ही चांदनी और भाभी मिल के करी थी, मैं सिर्फ ठीक ठाक करी हूँ। ये इतने सारे नींबू, अभी गर्मी के मौसम में नींबू बहुत काम आता है, और इतने सारे सब्जियाँ, पापा ना एक ही दिन बहुत सारे सब्जियाँ ला देते हैं, तो ऐसे ही फ्रिज में पड़ा रहता है। और ये लाए हैं पापा लीची और अंगूर, इसको मैंने सेट किया, मतलब फ्रिज ना पूरा भरा हुआ था एकदम, इतना सारा सामान भरा हुआ था इसमें, तो वही सब मैंने खाली कर करके जगह बनाया। ये मिठाई है गुलाब जामुन, और ये व्हाइट वाला था, और ये भी इसमें भी मिठाई है, इतने सारा मिठाई हो गया ना फ्रिज में, मिर्ची अदरक वो रखा हुआ। ये भाभी के भाई लाए थे मिठाई, खुरमा बोलते हैं हम लोग, और ये बुनिया लड्डू बना था तो वही थोड़ा सा बच गया, और इधर दही दूध रखा हुआ है मम्मी का, फ्रिज मैंने खाली कर दिया। इधर आलू प्याज रखा हुआ है, ये देखिए कटहल खराब हो गया, हमारे यहाँ इतना सारा कटहल है खराब हो जा रहा है, मैं इसको डस्टबिन में डालू, मम्मी बोली फेंक दो इसको, अब बेकार हो गया। और ये आया हुआ है इतना सारा आम, पापा लाए हैं, अभी आम का सीजन है ना, पता है सोना भी सोना भी आम नहीं खाती और लल्ला भी आम नहीं खाती, बिल्कुल नहीं पसंद। नहीं बाल मेरे कैसे हुए ना एकदम चिड़िया के घोंसला टाइप का, ऑयलिंग करना, तेल लगाऊंगी बालों में। अभी रात के बज रहे हैं लगभग 11, मैं ना शाम में नहाई हूँ 9 बजे के करीब, क्योंकि इतनी गर्मी लग रही थी ना, पसीना से एकदम हालत ख़राब हो गया था, तो नहा धो ली, थोड़ा फ्रेश फील हो रहा है। अभी अभिषा बेबी को सुला के आई हूँ, अभिषा बेबी अपनी मौसी के पास सो रही हैं, मैं मम्मी चांदनी अभिषा चारों साथ में सोते हैं। मुझे इस वीडियो पे, इस ब्लॉग पे वॉइस ओवर देना था जो कि मैंने दे लिया है, आप लोगों ने देखा भाभी की विदाई हो गई है, भाभी गई अपने मायके, सोना भी चली गई, छोटा बाबू भी चला गया, मन नहीं लग रहा है किसी का भी घर में, सब लोग एकदम उदास हैं, सब लोग मिस कर रहे हैं। पता है सोना ना इतना उधम मचाती है, इतना उधम मचाती है, पूरे घर में चिल्लाते चलती है, पूरा एकदम खेलते चलती है, तो वो सब चीज़ें हम लोग को याद आ रही हैं, और ऐसा लग रहा है जैसे भाभी अभी यहीं पे है, जैसे भाभी अपने रूम में है, लेकिन फिर बाद में याद आ रहा नहीं भाभी तो अपने मायके चली गई। सोना मेरा भी नाम लेती है, मम्मी बोलती है कि आवर अभी खाना खा ला, तो सोना बोलती है कि आवर अभी खाना खा ला, चांदनी तो चांदनी, चंदन चंदन, मतलब जो जिसका नाम पुकारेगा सोना उसका नाम पुकारेगी, नज़र ना लगे किसी की, बट हमारी सोना अपने उम्र के हिसाब से इतना ज़्यादा बोलती है ना, तो
मेरी बेटी भी है, फिर मेरी बहन की बेटी भी है, बट ये दोनों उतना नहीं बोलती हैं जितना सोना बोलती है, बहुत ज़्यादा बोलती है सोना। तो अभी हम लोग को सोना की बहुत ज़्यादा याद आ रही है, छोटा वाले बाबू की भी याद आ रही है। वैसे छोटा वाले बाबू को तो कोई ज़्यादा गोदी पकड़ता नहीं है, हमेशा चांदनी के पास ही रहता है, तो चांदनी को ज़्यादा याद आ रही है छोटे बाबू। भाभी को भी सब लोग मिस कर रहे हैं, भाभी पूछ रही थी जाने से पहले कि आप लोग मुझे मिस करोगे, मैंने कहा बिल्कुल, आप भी तो हम लोग को मिस करोगी। तो बोल रही थी कि हाँ मैं तो ब्लॉग देख लेती हूँ आपका, तो मुझे लगता है कि हाँ मैं अपने फैमिली को देख रही हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। मैंने कहा हाँ चलिए, आपके पास तो एक ऑप्शन है, हम लोग के पास तो वो भी ऑप्शन नहीं है। तो वीडियो कॉल कॉल पर बात करेंगे हम लोग। आप लोग को याद होगा कि अभी थोड़े दिन पहले ही भाभी अपने मायके गई थी, सिर्फ और सिर्फ एक दिन के लिए गई थी भाभी, क्योंकि भाभी का एक लौता भाई है और उनका छीका था, तो भाभी का बहुत ज़्यादा मन था। उस टाइम पे भाभी सॉरी उस टाइम पे बाबू जो है सिर्फ 11 दिन का हुआ था, लेकिन फिर भी मम्मी बरही कर दी थी, क्योंकि बिना बरही के घर से बाहर नहीं निकला जाता है, जो मदर होती है मतलब जिसका डिलीवरी हुआ रहता है, तो इसलिए मम्मी ने बरही कर दिया 11 दिन पे ही बाबू का, ताकि भाभी जा सके अपने मायके अपने भाई के छेका में। तो भाभी गई थी छेका में, एक ही दिन रह के आ गई थी। प्रॉपर पारंपरिक तरीके से उस दिन विदाई नहीं हुई थी, क्योंकि बिना 21 दिन के हुए नहीं होता है विदाई प्रॉपर। तो अभी फाइनली अब जाके, अभी तो बाबू लगभग 2 महीने का होने वाला, 9 तारीख को 2 महीने का हो जाएगा। मैंने फोटो शूटिंग कर दिया पहले ही 2 महीने वाला, क्योंकि बाबू जा रहा था, तो मैंने कहा भाभी ने कहा कि कर दीजिए आज ही फोटो शूटिंग, नया पहना ही है और लड्डू बनाई है, तो दो लिख के फोटो शूटिंग कर दीजिए, तो मैंने कर दिया। तो अभी भाभी प्रॉपर एकदम पारंपरिक तरीके से विदाई होकर गई हैं, मन नहीं लग रहा है किसी का भी, सब लोग मिस कर रहे हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं, सिर्फ स्वार्थ में प्रेम नहीं करना चाहिए। आखिर भाभी को भी तो थोड़ा रिलैक्स फील होना चाहिए, थोड़ा कंफर्ट जोन में रहना चाहिए, उनको भी तो अपने घर वालों की याद आती है, उन लोग तो उनको भी तो मन करता है कि मैं अपने मायके की फैमिली के साथ रहूँ। तो ठीक है, और सोना और छोटा वाला बाबू भी अपने नानी नाना सबके साथ घुलेंगे मिलेंगे खेलेंगे, बच्चों को भी मतलब थोड़ा अलग अलग वातावरण में घुलना मिलना चाहिए। तो आएंगे कुछ दिन रहेंगे, उसके बाद आ जाएंगे वो लोग भी। सब लोग मिस कर रहे हैं सोना को, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं सब लोग, पापा मम्मी, चंदन चंदन के पास बहुत ज़्यादा रहती है, मम्मी के पास मतलब अपनी दादी के पास बहुत ज़्यादा रहती हैं, तो ये लोग ज़्यादा मिस कर रहे हैं। छोटे बाबू को चांदनी ज़्यादा मिस कर रही है, तो वो सरसा ही है। और अभिषा बेबी भी मिस कर रही है अपनी सोना दीदी को, क्योंकि अभिषा और सोना दिन भर साथ में खेलती है ना, साथ में लड़ाई झगड़ा मारा पीटी सब होते रहता है, तो अभिषा भी बहुत ज़्यादा मिस कर रही है अपनी सोना दीदी को। आ जाएंगे जल्दी ही। क्या कह रही थी मैं क्या सोच रही थी ना कि मेरे ससुराल वाले कितने कठोर दिले हैं, कितने पत्थर दिले हैं, कैसे रह लेते होंगे ये लोग, सोचे 5 महीने हो गए हम लोग को आए हुए, मतलब ये लोग अपने घर की इकलौती चिराग को छोड़ के बिना कोई जिम्मेदारी बिना कोई मतलब कैसे रह लेते होंगे, कितने बड़े दरिंदे हैं, कितने बड़े घटिया लोग हैं ये लोग, मतलब इन लोगों के लिए क्या ही बोला जाए। छोड़ो अपना मूड नहीं खराब करते हैं ऐसे लोगों को याद करके। तो गाइस कोशिश करूंगी कि अच्छे अच्छे ब्लॉग आए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत एंड जय श्री कृष्ण, राधे राधे।